जो लड़की आई थी एमबीबीएस की हुई लड़की, उसने क्या कहा कि मैं बार बार कोशिश कर रही हूं कि अच्छा करूं, पॉजिटिव करूं, लेकिन हो रहा है नेगेटिव, क्यों? तो मैंने उनको उनकी तस्वीर सामने रख के खोला और उनकी परतें खुली। जब 1.5 से 2 घंटे में मैंने उनकी काउंसलिंग करी, एनएलपी की, तो जब ये सारी चीज जब खुल कर आई तो वो हंसने लग गई। पहले तो रोई, कुछ देर तक हील हुआ और फिर उसके बाद से हंसना शुरू करी और अब बिल्कुल मोटिवेट होकर यहां से गई, खुश होकर। मेरे प्यारे हीलर्स, मेरे प्यारे मोटिवेटर्स, मेरे प्यारे राइटर्स, ट्रेनर, लाइफ कोच एंड देश के हर तरह के जो ऑडियंस है, यानी कि जो हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जो हमारे इस देश के मेंबर, नागरिक हैं, सिटीजन हैं, मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जब किसी भी समस्या में फंसे, और निश्चित रूप से आप किसी न किसी समस्या में फंसेंगे जरूर, तब आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, उलझे नहीं, डरे नहीं और ओवरथिंकिंग ना करें। आप काउंसलिंग कराएं कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, कहीं आप बेवजह परेशान तो नहीं। इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा कि काउंसलिंग से आप अपनी किसी भी तरह की मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके विचारों में कई तरह के उलझने रहती हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप किसी तरह से अच्छी तरह से आप अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं, आपका लक्ष्य नहीं दिखाई देता, आप किसी लक्ष्य को टारगेट नहीं कर पाते हैं, या अगर आप सोचते भी हैं तो उसे करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, आप बस सोचते रहते हैं और पड़े रहते हैं, आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यूं ही आप एकांत में या कमरे में या कहीं इधर उधर घूम रहे हैं या चुपचाप पड़े हैं, आप अपने लाइफ के लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पा रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। आप इन दोनों कन्फ्यूजन में, इस जो कन्फ्यूजन है आपके साथ में, उसमें फंसे हुए हैं, ना आगे जा पा रहे हैं, और जब आप आगे नहीं जा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे ही जा रहे हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो ग्रोथ आपके हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए, रिश्तों से रिलेटेड ग्रोथ होनी चाहिए, या फाइनेंस से रिलेटेड ग्रोथ होनी चाहिए, या आपकी नॉलेज से रिलेटेड ग्रोथ होनी चाहिए। आप अपने माइंड की पावर को ग्रो कर सकते हैं, आप उसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप एक्टिव रख सकते हैं, बट इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास तमाम उलझने हैं जिससे कि आप कर नहीं पा रहे हैं, और उन उलझनों का कारण भी आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप चाह भी रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए बट हो नहीं पा रहे हैं। इससे होता क्या है कि आप एक बीमार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपकी पत्नी या पति, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, परिवार के जो सदस्य हैं या मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी तक की बात कर रहा हूं मैं, उन सबकी नजरों में आप एक बीमार व्यक्ति घोषित कर दिए जाते हैं। और जब एक बीमार व्यक्ति घोषित हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, वो किसी भी तरह का बीमार है, या फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, तो या वो फाइनेंशियल लेवल पर भी बीमार हो सकता है, गरीब है, तो उसके आसपास कोई इंसान आना नहीं चाहेगा, उसके घर के लोग ही क्यों ना हो, वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और आपके पास वो व्यक्ति नहीं आना चाहेगा जल्दी से। बहुत ही प्यार करने वाला है तो आपके आसपास में आपकी हेल्प करने के लिए रह सकता है, और उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है कि वो आपकी हेल्प करे, आपके साथ रहे या आपकी मदद करे, ये सब चीज़ें उसको बहुत दुख देंगी, उस दुखी हालत में वो आपकी, यानी मजबूरी की हालत में वो आपकी मदद करेगा। तो इन अवस्थाओं में आप काउंसलिंग जरूर कराएं। आप काउंसलिंग घर बैठे ऑनलाइन भी करा सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे से, या आप हमारे सेंटर पे भी आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ये तो हो गई इस तरह की बीमारी, जैसे तमाम युवा व्यक्ति हैं, युवा लड़के लड़कियां हैं,
जो कि इस अवस्था से गुजर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है यानी कि वो उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में वो आगे जा रहे हैं या तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर की कर रहे हैं, या वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या वो ये वकील बनना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई जॉब पाना चाहते हैं आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज की, तो उनका जो माइंड है सैंडविच बन जा रहा है। वो पढ़ते पढ़ते एकदम घबरा जा रहे हैं और प्रेशर में आ जा रहे हैं। कैरियर को देखकर उनके आसपास के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो वो परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। उनके घर वालों का प्रेशर आ रहा है, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसियों का प्रेशर आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हें इतना टाइम लग रहा है ज्वाइनिंग लेने में या जॉब पाने में, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, या अगर तुम मेडिकल साइंस के मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हो तो उसमें भी तुम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो और बहुत टाइम लग रहा है, तुम्हारे आसपास के साथी जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया या वो सक्सेस कर गए। इन सारी बातों को सुनकर कोई भी बच्चा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उसके पास ऑलरेडी पहले से ही वर्कलोड है, ओवरथिंकिंग है, वो परेशान भी है, डिप्रेशन में भी है, लेकिन जब वो दूसरों से सुनता है तो और ज़्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि एक 27 साल की लड़की जो कि MBBS कर चुकी है और वो इसी फील्ड में यानी कि डॉक्टर बनने के लिए तैयारियाँ कर रही है, अब उसके साथ सेम इसी तरह की दिक्कतें हैं। वो खुद डिप्रेशन में चली गई है, कन्फ्यूज्ड हो गई है। हमारे यहाँ सेंटर पे वो लड़की आई और हमने उसकी काउंसलिंग की, 1.5 से 2 घंटे तक हमने उसकी काउंसलिंग की, और जब हमने उन सारी चीज़ों को उसके सामने रखा तो वो जब रोते हुए आई, बहुत परेशान होते हुए आई, और वो फिर हंसने लगी, यानी कि खुश हुई कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। यानी कि उस 1.5 से 2 घंटे में जब मैंने उनसे बातचीत की और बातचीत करके शुरुआत की और अंत किया, तो अंत में उसने खुद ही बहुत खुश होकर कहा कि अब मेरी लाइफ में सुख के दिन आ गए। यानी कि जहां मैं फंसी थी, जो मेरी कन्फ्यूजन थी, जो मेरा डाउट था, जिन बातों से मैं परेशान थी, मैं अब उन सारी चीज़ों से निकल गई हूँ। तो इतनी देर में ही वो व्यक्ति, वो लड़की अपने उस प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से बाहर आ गई। जैसा कि वो कह रही थी कि मेरे घर में मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं मुझे लेकर, और वो अपनी बात कहते हैं तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरे साथी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे पड़ोसी भी इस तरह कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी क्लिनिक नहीं खुली, तुम इतने समय से तैयारी कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों को लेकर वो लोग क्या कहेंगे, लोग कह क्या रहे हैं और खुद अपना क्या सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। यहाँ तक कि वो पढ़ाई लगभग छोड़ कर या छोड़ने जैसी स्थिति में आकर वो पूजा पाठ करने लगी थी कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे। लेकिन चलो ठीक है, पूजा पाठ किया, भगवान ने चमत्कार क्या किया कि एक काउंसलर के पास भेज दिया। उन्होंने गूगल से सर्च करके हमारा नंबर लिया और हमारे सेंटर पे आके काउंसलिंग कराई और उनको रिजल्ट आया। तो भगवान जो है वो इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमें उस व्यक्ति से मिलाते हैं जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास था और हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। मैं अपने लिए लकी मानता हूँ कि किसी की लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं यानी कि डिप्रेशन है या कन्फ्यूजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको डिसीजन लेने में या उनकी ब्लॉकेज को हटाने में मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा काम मुझे ईश्वर ने दिया है। मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना किया अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ। तो अभी तो रेकी के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो रेकी और मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ऑथर हूँ, ऑथर यानी किताबें भी लिख रहा हूँ, लिखा है हमने ढेर सारी किताबें, नेशनल इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंडिविजुअल और ग्रुप में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोगों को लाइफ मिल रही है, लोगों की जिंदगियाँ बन रही हैं, समझ रही हैं, और मेरे पास भी धन आ रहा है, वो खुशी खुशी धन दे रहे हैं, उससे मेरी लाइफ अच्छे से और चल रही है। तो मुझे तो ब्लेसिंग भी मिल रही है और धन भी मिल रहा है और मेरा अकाउंट भी भर रहा है और मैं अपना परिवार भी अच्छे चला पा रहा हूँ, मैं खुद भी अच्छे से चल पा रहा हूँ, मोटिवेट रह पा रहा हूँ, पॉजिटिव रह पा रहा हूँ और दूसरों को पॉजिटिव दे पा रहा हूँ और दूसरों की लाइफ में ब्लॉकेज को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा काम दिया, मैं खुश हूँ। इसी तरह से जब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ईश्वर हमें ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं। चूँकि रेकी भी साथ साथ में मैं करता हूँ और डाउजिंग भी करता हूँ, एंजल थेरेपी भी करता हूँ, तो इसके साथ साथ में काउंसलिंग का भी चैप्टर मेरे पास रहता है, यानी कि काउंसलिंग भी करता हूँ। NLP जैसे माइंड प्रोग्रामिंग, अट्रैक्ट मनी का वर्कशॉप मैं कराता हूँ, इंडिविजुअल, ऑनलाइन, ऑफलाइन या ग्रुप में कराता हूँ। तो उसमें क्या है कि विद NLP ऑनलाइन, जैसे कि अट्रैक्ट मनी, माइंड प्रोग्रामिंग,
का जो वर्कशॉप विद एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी, ये जो ब्रेन से रिलेटेड पूरा पार्ट है, तो इस ब्रेन में किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आके ब्लूप्रिंट बन गए हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ में वो बार बार हम पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है। जो लड़की आई थी एमबीबीएस की हुई लड़की, उसने क्या कहा कि मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा करूँ पॉजिटिव करूँ लेकिन हो रहा है नेगेटिव, क्यों? तो मैंने उनको उनकी तस्वीर सामने रख के खोला और उनकी परतें खुली। जब 1.5 से 2 घंटे में मैंने उनकी काउंसलिंग करी एनएलपी की, तो जब ये सारी चीज़ जब खुल कर आई तो वो हंसने लग गई। पहले तो रोई, कुछ देर तक हील हुआ और फिर उसके बाद से हंसना शुरू करी और अब बिल्कुल मोटिवेट होकर यहाँ से गई खुश होकर। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे की अगर कोई ऐसी स्थिति है, कैरियर की प्रॉब्लम आ रही है, किस दिशा में जाएं नहीं समझ में आ रहा है, कोई काम में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है, या बहुत ब्लॉकेजेज आ गई है, डिप्रेशन होंच पहुंच हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ऑनलाइन ही हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके बच्चे काउंसलिंग करेंगे, उस प्रॉब्लम से बच्चा बाहर आ जाएगा या आप बाहर आ सकते हैं। आपके घर का कोई सदस्य है जिसकी वजह से डिप्रेशन है तो उसकी दवा खा रहे हैं और वो बीमार पड़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन की कोई दवा नहीं होती है, एक टाइम पर शरीर जवाब देगा, डॉक्टर मना करेगा कि अब दवा नहीं देंगे, फिर आप क्या करेंगे, तब तक आप और ज़्यादा बीमार हो चुके रहेंगे। तो ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों की समस्याएं हैं, तो आप कंटैक्ट करें और हमसे बात करें और हमसे मिलें, जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन भी हम देंगे और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम देंगे। थैंक यू।